अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यसर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान और करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हम तमाम को जुमे की नमाज के लिए अपने घर में आने की तौफीक अता करवाई। आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की गई है और एक हदीस भी पढ़ी गई है। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ताकीद फरमाई है कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। असल मुसलमान, हकीकत के एतबार से मुसलमान वो है जिसकी तकलीफ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दीन के पांच शोबे हैं। एक है अकाइद, दूसरा है इबादात, तीसरा है मामलात और चौथा शोबा है माशरत और पांचवा शोबा है अखलाकियात। आजकल हमने और आपने, मुसलमानों ने दीन के दो शोबों को यानी अकाइद को और इबादात को पूरा दीन समझ लिया है और इन्हीं के ऊपर हमने मुनहसिर कर लिया है कि ये भी दीन है। इबादात में नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है और अकाइद के अंदर ईमान लाना है अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उनकी किताबों पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना है। हम लोगों ने इन्हीं चंद चीजों को दीन समझ लिया है। मामला को हमने पीछे छोड़ दिया, तिजारत कैसे करना, नौकरी कैसे करना, बाजार में खरीदो फरोख्त कैसे करना, इसको हमने दीन से खारिज समझ लिया। इसी तरीके से माशरत है, घर वालों के साथ किस तरह रहना, पास पड़ोस वालों के साथ किस तरीके से रहना, दोस्तों अहबाब के साथ किस तरह जिंदगी गुजारना, इन चीजों को हम दीन समझते ही नहीं हैं।
इसी तरीके से अखलाकियात है, मुसलमानों के अखलाक कैसा होना चाहिए, मुसलमानों को मुसलमानों के साथ कैसे रहना चाहिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमने सिर्फ इबादात को दीन समझ लिया है और थोड़ा बहुत अकाइद को दीन समझ लिया है, बाकी जो दीन के शोबे हैं, मामलात है, मुआशरत है, अखलाकियात है, इसको हमने दीन से खारिज कर दिया है, दीन समझते भी नहीं है। मैंने जो हदीस आपके सामने पढ़ी है, इस हदीस का ताल्लुक माशरत से है। माशरत के माना रहन सहन, माशरत के माना रहन सहन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है, अल मुस्लिमु मन सलिमा अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से मुसलमान महफूज रहे। यानी मुसलमान अपनी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, किसी को गाली गलौज ना करे, किसी को बुरा भला ना कहे, किसी को डंग ना मारे, और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, तकलीफ ना दे, किसी को मारे नहीं, उसे कहते हैं हकीकत के एतबार से मुसलमान। अगर ये चीज हमारे अंदर ना हो, हम अपनी जुबान से और हाथ से दूसरों को तकलीफ पहुंचाए, हमारे इन आदाओं से दूसरे मुसलमान महफूज ना हो, तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हकीकत के एतबार से हम मुसलमान नहीं है। जाहिरी एतबार से, देखने के एतबार से हम मुसलमान तो जरूर नजर आएंगे, लेकिन हकीकत के एतबार से हम मुसलमान नहीं है। क्योंकि आजकल का मुसलमान दूसरों की अच्छाई को देख करके जलता है, परेशानी को देख करके तकलीफ का होना ये बहुत दूर की बात है। अगर कोई मुसलमान अच्छा है, उसका रहन सहन अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, उसका तिजारत, उसका दुकान अच्छा चल रहा है, हमारी नींद हराम हो जाती है, रात को नींद नहीं लगती है, क्योंकि सामने वाला मुसलमान अच्छा है, अच्छा खा भी रहा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को ऐसा रहना चाहिए कि उसकी जात से, उसकी रहन-सहन से, उसके कौल से, उसके रहन सहन से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक जमाना था कि मुसलमानों की एक पहचान थी, मुसलमानों को देखने के बाद चाहे वो पास पड़ोस का पड़ोसी हो, मुसलमानों को देखने के बाद अगर किसी मोहल्ले में मुसलमानों का घर रहता था तो दूसरे लोग जो है रश्क करते थे, काश कि मैं भी उसी मोहल्ले में अपना घर ले लूं और मुसलमान का पड़ोसी बन जाओ। एक जमाना था कि अगर किसी मोहल्ले में कोई मुसलमान आके रहता था तो हर लोग खुशी का इजहार करते थे, हर लोग खुश होते थे कि हमारे मोहल्ले में मुसलमान का घर है, उससे हमको तकलीफ नहीं पहुंचेगी, वह हर जरूरत के वक्त जो है हमारी मदद करेगा। तो मुसलमानों की पहचान थी एक जमाने में, पड़ोसी होने के नाते पहचान थी, मुसलमान पड़ोसी होने पर दूसरे लोग जो है फख्र करते थे। लेकिन आज का माहौल ऐसा है, आज के हालात ऐसा है
कि कोई मुसलमान को घर देने के लिए तैयार नहीं, कोई मुसलमान को अपना पड़ोसी बनाने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुसलमान को जो है अपने मोहल्ले पर रखने के लिए परेशान नहीं है। इंदौर था मुसलमानों की पहचान होती थी कि किसी गली से चले जाओ वहां शोर शराबा नहीं मिलता था, वहां बच्चों की जो है उड़ाने फैलने की आवाज नहीं आती थी, लोग पहचान लेते थे कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है। जिस मोहल्ले के अंदर अमन और सुकून पाई जाती थी, इस मोहल्ले के अंदर जो है छोटे छोटे बच्चे आजादाना नहीं फिरते थे, पहचान थी कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है। इस मोहल्ले में गैर नहीं मुसलमान रहते हैं, इस मोहल्ले में आने के बाद चैन और सुकून मिल जाता है, इस मोहल्ले में रहने के बाद जो है एक अलग तरह की कैफियत तारी होती थी। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज का जमाना यह है कि जिस मोहल्ले में बच्चे आजादाना फिरते हों, जिस मोहल्ले में रात के 12 बजे तक हंसी की महफिलें लगती हों, खेल कूद की महफिलें लगती हों, आजकल कहा जाता है कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है। एक जमाना था कि रात में ईशा की नमाज के बाद जो है मुसलमान मोहल्ले से अगर कोई गुजरता था तो वो ये कह देता था कि ये मुसलमानों का मोहल्ला है, क्योंकि ईशा की नमाज के बाद जो है मुसलमान सो जाते थे और रात के आखिर हिस्से में उठते थे और जो है नमाजें पढ़ते थे और कुरान करीम की तिलावतों की आवाज घरों से आती थी, घरों से रोने की आवाजें आखिर रात में आती थी, रात के आखिर हिस्से में आती थी। तो एक जमाना था कि ईशा के बाद कोई मुसलमान मर्द, चाहे वो नौजवान हो चाहे वो बूढ़े हो, घर के सामने नजर नहीं आते थे, उनका दरवाजा खुला हुआ नजर नहीं आता था और मुसलमान सो जाते थे। इसलिए सोते थे कि रात के आखिर हिस्से में जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और फरिश्ते जो है आवाज लगाते हैं कि है कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला कि उसकी मग़फ़िरत की जाए, है कोई दुआ का मांगने वाला कि उसकी दुआएं कबूल की जाए, है कोई सवाल करने वाला कि उसके सवाल को पूरा किया जाए। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मुसलमानों की पहचान थी, लेकिन आजकल के हालात के एतबार से अगर हम देखेंगे कि जिस मोहल्ले में नौजवान रात के 2 बजे तक जो है हंसी की महफिलें लगाते हों, मोबाइल लेकर के अपने दोस्तों अहबाब के साथ जो है खेलते हों, खुद भी ना सोते हों और अपने पास पड़ोस वाले को सोने ना देते हों, आजकल का ये हाल, आजकल का ये माहौल है। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक जमाना था, दो यहूदी रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में पत्थर वगैरह पड़े हुए थे, रास्ते में पत्थर वगैरह पड़े हुए थे, रास्ते में कांटे वगैरह पड़े हुए थे। वो दोनों यहूदी आपस में जो है गुफ्तगू करने लगे कि अरे यार, आज ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है, इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है, अगर कोई मुसलमान इस रास्ते से गुजरता तो पत्थर नजर नहीं आता, रास्ते में कांटे नजर नहीं आते, रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज नजर नहीं आती। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये एक जमाना था कि रास्ता चलते हुए जो है अगर रास्ते में जो है पत्थर नजर आता या जो है कांटे वगैरह नजर आते तो गैर की जुबानों से ये निकलता था कि शायद आज इस रास्ते से किसी मुसलमान का जो है गुजर नहीं हुआ। आज हम लोग दूसरों के लिए कांटे बने हुए,
दूसरों के लिए तकलीफ देने वाले बने हुए हैं। हमारी जात से दूसरों को हमेशा तकलीफ पहुंच रही है, इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आजकल वो लोग जो है मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करते हैं, मुसलमानों को रहना पसंद नहीं करते हैं। आजकल हमारे बिरादरान वतन की जुबानों पर जो है जो लोग मुसलमानों की आवाज को सुनने के बाद सहम जाते थे, जो लोग मुसलमानों के जो है शहर में आने के बाद जो है बिल्कुल जो है खामोश हो जाते थे, आजकल वो मुसलमानों को खाने के लिए और मुसलमानों को मिटाने के लिए और मुसलमानों को इस जमीन से जो है तहस नहस करने के लिए जो है प्लानिंग बना रहे हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी और आपकी है कि हमने अपने नबी के तरीके को छोड़ दिया है, हमने दीन के रास्ते को छोड़ दिया है, हमने नमाजों को छोड़ दिया है, हमने कुरान करीम की तिलावत को छोड़ दिया है। ये इन तमाम चीजों को छोड़ने की वजह से जो है आज हम पस्ती के आलम में हैं, आज हम जो है दूसरे की नजरों का जो है काटा बने हुए हैं। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमो मन सलीम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचाए, ना वो जुबान से पहुंचाए, ना वो हाथ से पहुंचाए, ना जिस्म के दूसरे आदा के जरिए से किसी मुसलमान को जो है तकलीफ पहुंचाए। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तो एक जमाना था मुसलमानों की एक अलग पहचान थी, और आज का जमाना है कि आज जो है मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हर कौम जो है मुसलमान को खाने के लिए बैठी हुई है। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक जमाना ऐसा आएगा जिस तरीके से दस्तरखान के अंदर जो है अलग अलग चीजें रखी जाती है, और हर दस्तरखान में बैठने वाला जो है अपने दोस्तों अहबाब को बुलाता है कि आप भी आओ, आप भी हमारे साथ खाने में जो है शामिल हो जाओ। इसी तरीके से गैर जो है मुसलमानों को खाएंगे, मुसलमानों को बर्बाद करने की प्लानिंग करेंगे। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारी जो कैफियत थी, हमारी जो हालत थी, मुसलमानों की जो अलामतें थी, हमने उन चीज़ों को पसे पुष्ट डाल दिया है, पीछे डाल दिया है, और उन चीज़ों को करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से ये हालात हम जो है हमारे सामने हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया लिखा है किताबों के अंदर कि उनके घर में डबल मंजिल घर था। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु नीचे के हिस्से में रहते थे और एक यहूदी फैमिली जो है ऊपर के हिस्से के अंदर रहता था। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यहूदी ने अपनी कज़ाए हाजत के लिए ऊपर के हिस्से में बैतुल खला बना लिया था। वो कुछ दिनों के बाद जो है उस बैतुल खला के अंदर जो है सुराख पड़ गया, जिसकी वजह से जो है ऊपर की गंदगी जो है हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के मकान में गिरता था। कज़ाए हाजत के लिए ऊपर वाला जब भी जो है कज़ाए हाजत के लिए जाता तो वो गंदगी जो है नीचे गिरता था, यानी पाखाना पेशाब जो है नीचे गिरता था। और आपको मालूम है कि पाखाना पेशाब गिरने के बाद जो है उसमें खुशबूएं बहुत आती है, बदबू नहीं आती है। तो मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला उन्होंने एक जमाने तक बर्दाश्त किया, एक दिन दो दिन का वाकया नहीं है, रोजाना गिरता था और पूरे घर में बदबू फैलती थी। हजरत हसन उसको साफ करते थे और उसको बाहर फेंक देते थे, लेकिन उसकी वजह से हर वक्त घर में बदबू फैली हुई रहती थी। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, एक मर्तबा यानी
बहुत दिनों तक इस तकलीफ को बर्दाश्त किया और इस तकलीफ को बर्दाश्त करने के बाद जो है एक दिन भी अपनी जुबान से अपने पड़ोसी को उनके घर में जाकर के ये नहीं कहा कि आप लोगों का जो है पहाना जो है वो सुराख हो गया है और वो जो है खराब हो गया है, पूरी बदबू जो है नीचे आती है, एक दिन भी जाकर के शिकायत न की। आजकल हमारा क्या हाल है, हमारे घर के सामने कोई कचरा फेंक दे, कोई पानी फेंक दे, कोई जो है बच्चा आकर के पास पड़ोस वाले का पेशाब कर दे तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है। एक मर्तबा देखते हैं, दो मर्तबा देखते हैं, फौरन लड़ाई के लिए जो है अपने आस्तीन को चढ़ा लेते हैं और लड़ना शुरू कर देते हैं, और अगर वो बात नहीं माने तो म्युनिसिपैलिटी में जाकर के शिकायत दर्ज करते हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आजकल हमारा ये हाल है, आजकल हमारा ये माहौल है, लेकिन वहाँ हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन भी शिकायत नहीं करते हैं, रोजाना उस गंदगी को उठा करके फेंकते हैं लेकिन शिकायत नहीं करते हैं। अचानक एक दिन वो यहूदी की औरत जो है वो हजरत हसन की औरत से मिलने के लिए नीचे आती है, और नीचे आने के बाद उसने देखा घर में पूरा बदबू ही बदबू फैला हुआ है, घर में बदबू ही बदबू फैला हुआ है। झांक करके देखी, अरे ऊपर से पानी और जो है गंदगी टपक रहा है। फौरन जो है जो मालूमात लेना था, जो पूछना था पूछी, और पूछने के बाद जो है फौरन ऊपर जाती है और अपने शोहर को कहती है कि खुदा के वास्ते ना मालूम कितने दिनों से ये लोग जो है बदबू के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, कितने दिनों से गंदगी के अंदर जो है ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, आप जल्दी जाओ, पहले जाके माफी मांगो। वो यहूदी औरत कहती है आप पहले जाओ, पहले माफी मांगो, बाद में आकर के उसका इंतजाम करो। वो यहूदी आदमी जो है वहां जाता है और जाने के बाद जो है माफी मांगता है, आजिज़ी और इंतिसारी करता है और कहता है कि खुदा के वास्ते जो है आपने क्यों नहीं बता दिया। तो हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे नाना ने फरमाया है कि अपने पड़ोसी का एहतराम करो और अपने पड़ोसी का इकराम करो, मैं अगर आपको बता देता तो आपका एहतराम क्या होता और आपका इकराम क्या होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यानी अगर आप जो है वो लोग जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर उसके रसूल पर, उसके लिए जरूरी है फल युक्रिम जो है फरमाया कि उसके लिए जरूरी है कि अपने पड़ोसी का जो है एहतराम करे, पड़ोसी का इकराम करे। मैंने अपने नाना की नसीहत को याद करते हुए मैंने आपको तकलीफ नहीं दिया। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अब अंदाजा लगाइए तकलीफ किसे हुई। तकलीफ हजरत हसन को हुई है, अपने उनकी तकलीफ को बर्दाश्त करने के बाद जो है अपने पड़ोसी से कह रहे हैं कि मेरे नाना का हुक्म है इसलिए मैंने आपको कहना और जो है बताना पसंद जो है गवारा नहीं किया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, वो यहूदी ने जब सुना कि जिसके नाना का दीन जो है इतना महबूब है और इतना अच्छा है कि पड़ोसी की तरफ से तकलीफ आने के बावजूद भी जो है वो तकलीफ को बताता नहीं है, फौरन वही जो है इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम को कबूल करने के बाद जो है उसका इंतजाम किया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान हकीकत के एतबार से सच्चा और अच्छा और कामिल मुसलमान वो है जिसकी जात से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अपने गुरेबान में झांक करके देखिए, तन्हाई में बैठिए और सोचिए कि
कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनों को तकलीफ दिया है और कितनों को परेशान किया है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये गुनाह माफ नहीं होता है। जब तक के सामने वाले से माफी नहीं मांगेंगे तब तक माफ नहीं होगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के जरिए से कामिल और मुकम्मल मुसलमान होने की अलामत को बताया है। अल्लाह मुझे भी और आप तमाम को भी इन सब बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।